लग कीजिए। हे भगवान, ये वड़ो तो फिर से इमोशनल हुई जा रही है। मतलब कि ये फिर कोई नया तमाशा खड़ा करेगी। आपसे धन्यवाद कहना चाहती सु। अपने माँ के लिए जो किया वो मैं जिंदगी भर ना भूलूंगी। वे बावड़ी है तू, तो तारे साथ साथ हमारी भी तो माँ है ना, और हमने कोई बहादुर काम थोड़ी किया, ये तो हमारा फर्ज। कुछ ना आयुध, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। इतनी भी छोटी ना सिर्फ, मैं इस पे कुछ लगा देती सु। कहा ना मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। बस 2 मिनट लगेंगे लक्की जी, आप बैठो तो सही, मैं आती सु। आप बैठो। घर चलान वास्ते, अपना पेट पालने के वास्ते नौकरी तो करनी पड़े है ना। मैं भी आपकी बात समझती सु भैया, आप तो इतने अच्छे, आपको तो कोई भी नौकरी मिल सकती है, एक बार कोशिश तो कर लो आप। बात नौकरी मिलने की ना सर, पर मारे पास इतना वक्त कहाँ है कि जाके नौकरी ढूंढूं, इंटरव्यू दूं। हाँ, पर भगवान की कृपा से हम नौकरी के बिना भी 3-4 महीने तो चला सकते है। पैसों की थोड़ी दिक्कत होगी, पर खाने पीने की कभी कमी ना होगी। अब एक बार सोच लो भैया, मैं तो बोल रही हूँ यो नौकरी छोड़ दो और यही सिरसा में एक नौकरी ले लो आप। भैया मैं यो सब हमारे परिवार के भले के लिए बोल रही हूँ। किसी एक बहुत काबिल इंसान ने मन ने कहा था कि परिवार की सुख शांति के लिए परिवार को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी से। इब मन ने अपनी बात कह दी भैया, आपको अगर मेरी कोई बात गलत लगी तो बताओ। ना बेटी, बिल्कुल सही कहा तुमने। देख भाई शंकर बेटा, ये जो मैं भी कहने जा रहा हूं ना, इस बात की ना गांठ बांध ले। इंसान जब आत्मनिर्भर हो जाए ना, तो सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। यजमान। अरे पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान। पंडित जी, हमने बहुत सोच समझ के ना आप जैसे ज्ञानी पंडित को बुलाया। बस मेरी आपसे एक विनती है कि आप ना समय की चिंता ना करें, चाहे 4 घंटे लगे, चाहे 5, चाहे 10 घंटे, पर आप इस घर में ना ऐसा शांति का पाठ करें कि अशांति का नामो निशान हट जाए। इस घर के कोने कोने में ना शांति का वास हो, ताकि इस घर में जो भी रहे ना
उसका इस घर को छोड़ने का मन ना करे। पायल भाभी आपको क्या हुआ? आपका मुंह ऐसा लटका हुआ क्यों है? अरे पायल सब ठीक तो से? ए, की बोले हैं स्कूल वाले? कुछ तो बोल, मुंह में दही जमी है के? अरे पायल भाभी बताओ तो सही, आप क्यों रो रहे हो? माँ जी, बाबू जी, आज मैं आप सबसे माफी मांगने आई हूँ। आज मारे से बहुत भारी गलती हो गई। बात के वो बता पायल बेटा। बाबूजी। अरे रन रन। आप मेरे मारे को माफ कर दो। अरे बेटा उठ। तू ये तो बता बात क्या है? पहले आप लोग मारे को माफ करो, तभी मैं कुछ बोल पाऊंगी। चल किया माफ, अब बोल तो सही बात क्या है? माँ जी, बाबूजी, आज मैंने लट्टू का दाखिला सिरसा के अंग्रेजी स्कूल में करा दिया है। अब इस घर का शुद्धिकरण और शांतिकरण हो गया। इस घर में अब शांति का प्रवास है, अशांति दूर हुई। इस घर में रहने वाले सभी बड़े आराम से शांति पूर्वक रह सकते हैं। अब उन्हें किसी प्रकार का विघ्न बाधा परेशान नहीं करेगी। क्या बात है पंडित जी, लीजिए पंडित जी, ये आपके लिए। आपका मंगल हो। अच्छा भैया, माँ आप सबका कल्याण करें। भाई अब अगला कदम क्या है? अब आखिरी कदम ये उठाना है कि उसके पूरे परिवार को ना इस घर में वापस लेकर आना है। ऐसा आलिशान घर देखकर उन सब की आंखें ना खुली की खुली रह जाएंगी। और वो जो दौलत के लालच के चक्कर में ना ये सब कर रही है, उसके इसी घर में इतनी दौलत भर दूंगा कि उसके सारे प्लान पे ना पानी फिर जाएगा। मैं तो कहती हूँ भाई, उस पड़ो को भी ना उसके परिवार के साथ यही छोड़ देना चाहिए। वैसे भी घर में कर क्या रही, बोझ ही तो है सब पे। चलिए भी चलते हैं, आखिरी काम पूरा करते हैं। हाँ फिर हम कैसे करेंगे माँ जी? पर आप एक दो दिन में सिरसा का छोड़ रहे हो माँ? डॉक्टर साहब ने बोला है कि आपके पैर के लिए हर 3-4 दिन पे अस्पताल आना पड़ेगा ना। और इब तो लट्टू का स्कूल भी सिरसा में सर। आप कहाँ थे? कोमल, मैंने बहुत सोचा, आखिरकार थारी सलामान के मैंने यो अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। के? नौकरी छोड़ने का फैसला कैसे कर सको आप? आप देख ना रहे हो के माँ जी की तबीयत? लक्की जी, मैंने आपके लिए एक स्पेशल रजाई बनाई से। यो तुम्हारी टी शर्ट से? पर आप तो यो पहनते ना। यो हमारी फेवरेट टी शर्ट से। सॉरी लक्की जी। रख ले।